बहुत तेज हवा चल रही थी और बारिश भी शुरू हो गई थी, पर मनु चिड़ा उड़े ही जा रहा था। उसका शरीर थक गया था। उसे अपने बच्चे के लिए भोजन जो ढूंढना था, उसे उड़ने में मुश्किल हो रही थी। वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुझे अपने बच्चे के लिए भोजन लेके आना है। मुझे पता है ये आसान नहीं है, पर मेरा बच्चा अपने भोजन का इंतजार कर रहा होगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है। अब हवा रुक गई थी और बारिश भी। मनु चिड़े को एक पेड़ दिखता है जिसमें फल लगे हुए थे। वो फल तोड़ के घर आ जाता है। गुड्डू बेटे, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ। जल्दी आ जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। गुड्डू वहाँ पर आ जाता है। मैं आपसे नहीं बोलता, आप रोज रोज इतनी देर लगाते हो। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बेटे, हवा बहुत तेज थी और बारिश भी हो रही थी। मैं बहुत मुश्किल से भोजन इकट्ठा कर पाया हूँ। आप मुझसे रोज ही झूठा वादा करते हो कि आप माँ को साथ लेकर आएंगे, पर आप ऐसा नहीं करते। पर मनु चिड़ा अपने बेटे को क्या ही बताता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, अब वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी। देखो, मैं अपने बच्चे के लिए कितने अच्छे फल लाया हूँ। आपको फल बहुत पसंद है ना? लो, जल्दी से खा लो। गुड्डू फल देख के खुश हो जाता है और अपने पिता के गले लग जाता है। दूसरी तरफ एक जालिम चील कालू कवे से शिकार करने को कहती है। मुझे जल्दी ही हरा तोता चाहिए। जी ठीक है, मैं आज ही तोते का इंतजाम करता हूँ। तोते का शिकार करने जाता हूँ। और हाँ, अगर तुम तोता पकड़कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। कालू कौवा पेड़ पे छिपकर तोते का इंतजार करता है। इधर गुड्डू अपने पापा से कहता है, पापा मैं पानी पीने जा रहा हूँ। बेटे ध्यान से जाना। गुड्डू पानी पीने जाता है। उसे रास्ते में कुछ भोजन दिखता है। वह उन्हें खुशी खुशी खाने लगता है। ये तो चिड़िया का बच्चा है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो चील को तोता लाके देना है। कोई नहीं, मैं फिलहाल इसे ही पकड़ता हूँ। वह जाल खींच देता है और गुड्डू जाल में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ऐसे शाम हो जाती है। मनु चिड़ा गुड्डू के न आने पर परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने निकलता है। वह पूरे जंगल में गुड्डू को ढूंढता है। थक हार कर वह अपने घर आ जाता है। पिंजरे में एक पक्षी और कैद था। आपको भी इस कौवे ने पकड़ लिया? मुझे भी कल से पकड़े रखा है कालू कौवे ने और अपने घर में कैद किया हुआ है। मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरे पापा। हौसला रखो, ऐसे रो मत, हम दोनों साथ हैं। मैं तुम दोनों को बेचूंगा। क्या मजे से बैठे हो, हा हा हा। अंकल हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो प्लीज। बिल्कुल चुप बैठ, नहीं तो एक मारूंगा। सुबह सुबह मनु चिड़ा अपने बेटे को ढूंढने निकलता है। उसे रास्ते में एक कबूतर मिला। मेरा बेटा दो दिन से नहीं मिल रहा, क्या आप भी अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरा बेटा नदी में पानी पीने गया था, अभी तक नहीं आया। एक शिकारी है कालू कौवा, वो इस जंगल में आया हुआ है। जरूर उसी ने हमारे बच्चों को पकड़ा होगा। चलो हम दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढते हैं। वह दोनों कालू कौवे के घर के बाहर छुप के देखते हैं। दोनों को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वह दोनों मिलकर
दोनों बच्चों को छुड़ा लाते हैं, पर वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुस के पिंजरा खोल लो? अभी रुको, मैं तुम्हें कैद कर लेता हूँ। कैद तो तू जब करेगा, जब तू बचेगा। दोनों मिलकर उसकी डंडे से पिटाई करके उस जंगल से ही भगा देते हैं और जंगल के सभी पक्षियों के लिए जिंदगी आसान कर देते हैं। इधर चील कालू कौवे का इंतजार ही करती रह जाती है।